प्यारा मक्का है अल्लाह, दिलो जा से प्यारा काबा, कुरान भी बयां करे मक्का, हिदायत की जगह है मक्का, दिलो जा से प्यारा काबा। भाई आज हो सकता है आखिरी तरावी और आखिरी क़यामर लेल हो, वो इसलिए कि आज 29 की रात है और आज होना है ख़त्म कुरान। लेकिन अभी हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह रोड साइड पे इफ्तार करेंगे आज, और उसके बाद फिर रात को क़यामुल लैल के लिए जाएंगे मस्जिदुल हराम, जहाँ पर होना है ख़त्म कुरान आज इंशाअल्लाह तबारकअल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं हूँ अब्दुल मालिक फरीद और आपको एक और व्लॉग में खुश आमदीद। अब मैं चाहता हूँ कि जिनके साथ मैंने रोड साइड पे बैठ के इफ्तार करनी है उनके लिए कुछ ले जाऊँ, तो समोसे इज द बेस्ट ऑप्शन। ये हमारे मोहल्ले की समोसे की दुकान है, हमेशा रश होता है इधर। जो बन 10 रियाल। ये वहाँ पर जो भाई साहब काम करते हैं ना उनके लिए लिए हैं समोसे, इनमें 10 रियाल के रोल लिए हैं, 10 रियाल के चीज वाले समोसे और 25 रियाल के लिए हैं कीमे वाले समोसे। तो अब चलते हैं उनके पास, पहले मामू और मोइस भाई को ले लेते हैं। दिल के हर गोशे से आवाज आए काबा, या अल्लाह, प्यारा मक्का है अल्लाह, या अल्लाह, प्यारा मक्का है। देखें इधर हम लोग जा रहे हैं अभी जनाबे आला, मक्कतुल मुकर्रमा का खूबसूरत मौसम, और यहाँ पे हम लोगों ने इंशाल्लाह करनी है हमारी इफ्तार। ये भाई इधर बांट रहे हैं पूरी इफ्तार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? طيب क्या हाल है? क्या सईद طيب مبسوط ايش اخبارك مرحبا 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 يا ابو عمر يا ابو عمر يلا 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 हाय। देखें यहाँ पर माशाल्लाह तबारकअल्लाह पूरा इफ्तार बांटते जा रहे हैं, हमेशा हर रोज पूरा रमजान ऐसे ही चलता है इनका। ये देखें मुईज़ भाई ने बांटना शुरू कर दिया माशाल्लाह। चलो भाई देते जाओ, एक लबन एक जूस। हाँ बस बस, मामू लाइन में लगे हुए हैं, आज पूरा एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं। अभी मामू के साथ प्रैंक करते हैं। शो ये बस ओ जूस, ये अपना आदमी है, देखो मैच फिक्स हुआ है। ये देखो माशाल्लाह, और इधर रोटी। ये मैंने मामू के साथ प्रैंक किया, थोड़ा सा डलवाया। ये मामू यहाँ से रिश्वत लेने आ रहे हैं यार, मामू क्या कह रहे हो? अपना बंदा देख के। अरे मुईज़ भाई की भी बारी आ गई, दलिया बस इतना ज्यादा नहीं है यार, ये पाकिस्तानियों को ये नहीं पसंद। लाइन खत्म हो गई है, इधर एक दस्तरखान बच गया, बाकी यहाँ पर ये देखे खत्म। अभी 3 मिनट रहते हैं अजान से और मेरे दोस्त इधर बैठ गए हैं दोनों, इन्होंने ये वाला एक्सपीरियंस करना है जो आपने पहले देखना है, और फिर मैंने बैठना है उधर पीछे। ये हमारे जो भाई दोस्त यहाँ पर बांटते हैं ना, इनकी हौसला अफजाई के लिए मैंने इनके साथ इंशाल्लाह बैठना है। जी ये सारी चीज़ें जो है ये हम उधर से लेके आए हैं, और ये साथ कंपलसरी उन्होंने रखा हुआ है पानी की बोतल, ठंडी है थोड़ी सी, हमारा गला ख़राब है तो लेकिन चलेगी, पानी तो पीना, और साथ ही ये खजूर है। बसें भी रुक गई हैं, ये बसों वाले भी यहाँ से लेके जा रहे हैं, ये लोग सारे उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। वो बस है उधर, इधर एक बस है, एक बस इधर है, एक बस इससे पीछे भी आ गई है। देखें ये बीच में देने के लिए जा रहे हैं, ताकि जिन लोगों को इफ्तार चाहिए होगी वो लड़के जाके लेके आएंगे उनको। अल्लाह ताला इनको जजाय खैर दे यार, बहुत बहुत खिदमत करते हैं लड़के माशाल्लाह तबारकअल्लाह। ये बस के ड्राइवर भाई भी इधर हम लोग बैठ रहे हैं इंशाल्लाह। फूल अल-मुबख्खर माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें जी यहाँ से अपना शोरबा टेस्ट करते हैं थोड़ा सा, जो कि हमने थोड़े ही लिया। शुक्रान। यहाँ पर देखें माशाल्लाह ये पास्ता है इधर, ये इसको शोरबा कहते हैं, शोरबा है ये एक ब्रेड की तरह, इधर समोसे वगैरह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फूल है, इसको मुबखर कहते हैं, ये स्पेशल बना हुआ। इसको भाई बोलते हैं खलियत नहल, यानी कि शहद की वो जो होती है ना, शहद का घर होता है ये, उस तरह का एक ब्रेड बनाते हैं शहद के घर की तरह, इसमें शहद और इसमें चीज वगैरह ये सारी चीजें डालते हैं, बड़ी स्पेशल ब्रेड होती है ये। ये स्पेशल फूल है, ये ड्राई मारते हैं, इसके अंदर काफी मटेरियल डाला हुआ।
जैतून का तेल भी डाल रहे हैं। अरे नूह भाई अकबर واحد عندنا بالصبره ما شاء الله ما شاء الله تبارك ايوه انا سارع هذا بيك دادي ما اقدر بالله يلا تحداني اتحداك يلا سوي يلا نوح بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ریسلنگ کرو اپ مجھے چیلنج کرنا چاہیے یا نہیں لا انا اتحدى بعد العيد على طول يلا चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इफ्तार कर ली मज़ा आ गया रोड साइड पे आपको पता है यहाँ पर इसकी एक अपनी वाइब है एक अपना मज़ा है। बहरहाल अब जा रहे हैं मस्जिदुल हराम की तरफ इंशाल्लाह। आज यहाँ पे पार्किंग मिली है भाई हमें पहाड़ पे लेकिन हम अभी इधर से नहीं उतरते इधर से जाते हैं इधर से एक अच्छा रास्ता है आ जाओ हाँ इससे पहले गाड़ी लॉक Ya Allah, Allah, Ya Allah, Rabbi. ज़कात फितर के लिए ना यहाँ पर इस तरह कपड़े के ऊपर रख के और दुकानों में ज़कात फितर के लिए ये सब अभी थैलियाँ बना के ना बेचनी शुरू कर दी हैं। Ya Allah, Allah, Ya Allah, Rabbi. Ya Allah, Allah, Ya Allah, Rabbi. अच्छा भाई 29 की रात जो है ना 29 की रात ऐसी होती है कि इसमें ख़त्मे कुरान होता है तो मैक्सिमम जो मक्का में रहने वाले लोग होते हैं ना वो ज़्यादा निकलते हैं 29 की रात को कि चलो ठीक है अगर पूरा रमज़ान ही नहीं जा पाए हम लोग तरावी के लिए तो कम से कम 29 की रात को हम लोग पहुँचें ख़त्मे कुरान पे जाके ना हाज़िरी दे दें तो ये एक सीन होता है। वैसे मक्का का रश जो है वो 27 के बाद टूटना शुरू हो जाता है कम होना शुरू हो जाता है और ईद के दिन पर जाके मैक्सिमम मक्का वाले ही बचते हैं जो बाहर से हुज्जाज किराम आए होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकल जाते हैं ख़ास तौर पे जो लोग मिडल ईस्ट से आए होते हैं या सऊदी अरेबिया के किसी और इलाके से तो वो तो सबसे पहले वापस चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने ईद अपने घर में जाके करनी होती है। सलाम अलैकुम शुक्रान जज़ीलन यार पानी भी मिल गया माशाल्लाह। अभी भाई हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं यहाँ पर इंशाल्लाह होनी है हमारी तरावी और यहाँ पर बीच में रोड के ऊपर ही आज बैठे हैं फिर से जहाँ पर हम लोगों ने 27 की रात को तरावी पढ़ी थी ना उसी जगह पे हैं और फिर बाद में हम लोग जाएंगे नफिल के लिए आगे जाएंगे इंशाल्लाह। आज मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह तबारकअल्लाह और हवा चल रही है हल्की हल्की ठंडी वैसे भी ये रमज़ान बड़ा ज़बरदस्त गुजरा है कि इसमें गर्मी नहीं हुई एक दो दिन बीच में गर्मी हुई थी फिर बारिश हुई तो फिर वापस से मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया था। इधर देखें पूरा फिर से सफ़ें बन गई हैं 27 की रात की तरह ये देखें पूरा वही माहौल 27 की रात वाला है लेकिन हाँ रश कम है यहाँ पर जैसे ही अजान होने वाली होती है ना ये जमजम टावर की ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है तो अभी ग्रीन लाइट तो काफ़ी देर से ऑन है लेकिन अजान नहीं हुई ले अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देखें तरावी की नमाज़ हो गई दुआ ख़त्म कुरान हो गई तकरीबन आधे घंटे से लंबी दुआ थी लेकिन माशाल्लाह रश वापस पड़ गया है और आज हम लोग ब्रेक के लिए जाएंगे नफिल और तरावी की ब्रेक के लिए इधर जमजम टावर में ये देखें अभी हम लोग ना पुल के ऊपर आ गए रश देखें कैसे फिर भी 27 से कम है हमने नमाज़ पढ़ी थी उस जगह पर आगे भाई अभी हम लोग आ गए हैं जमजम टावर में यहाँ पर कुछ खाने का इरादा है लेकिन जो रश है मामू कह रहे हैं बैकग्राउंड सेट कर जो रश है बस बहुत रश है देखते हैं क्या लेते हैं यार क्या खाना है बिरयानी या मंदी कुछ भी नहीं खाना तबीयत खराब है मुझे जो मर्जी खिलाएंगे मुझे लग रहा 10 तरावियाँ पड़ी हैं तबीयत खराब हो गई तरावियाँ पढ़ के नहीं होती है हमारे जमाने में 20 होती थी तरावियाँ 10-10 तरावियाँ 10-10 नफल सुबह अल्लाह पढ़ सकता हूँ अच्छा पढ़ सकता बुरी बात क्या करो ये देखें इधर भाई बारबेक्यू बन रहे हैं जबरदस्त ये तवे पे ही बना बना के देते जा रहे हैं तवे पे बारबेक्यू फिश बहुत कुछ है अस्तार काम नो खिंची जा रहे हैं ये देखें इधर बिरयानी इस पे हमारी नजर जम गई अब आ गए भाई टेक्सस चिकन के पास इधर से भाई हम लोग टेक्सस चिकन ले रहे हैं इनकी चिकन यहाँ पर बनी पड़ी काफ़ी सारी ये भाई मामू लेके आ गए हैं खाना हमारे लिए और हमें अबू ऐसा ने भी ज्वाइन किया है और साथ में हमारे छोटे मेहमान ने भी चलें भाई मामू हाँ ये
अच्छा यहाँ पर अब ऐसा फ्रूट्स वगैरह लेके आए माशाल्लाह, काफ़ी चीज़ें लेके आए वो। और ये यहाँ पे हमारे पास है फ्राइज। ये अब ऐसा हमारे लिए यूके का सॉस लेके आए हैं, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू। ये यार इसको हाँ उधर कर दो ट्रांसफ़र, रोटी को चम्मच किस लिए दिया? चम्मच वो इसके लिए सलाद के लिए, ये स्पाइसी लिया था हमने। ये सॉस हमारे अबू ऐसा भाई लेके आए हैं, इसी के साथ हम लोग ट्राई कर रहे हैं। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना खा लिया जमजम टावर में, थोड़ी देर के लिए बैठे और अब जा रहे हैं वापस मस्जिद हराम की तरफ, नफल का टाइम हो रहा होगा अभी। नफिल के लिए हम लोगों को इधर जगह मिली है, ये किंग फाहर गेट है, 79 नंबर गेट, और यहाँ से जमजम टावर से हम लोग आए हैं अभी बाहर। अभी मस्जिद हराम से हम लोग आ गए हैं और फाइनली हमारे मुइज़ भाई के लिए तोप का जो है ना, यहाँ पर हमें शॉप पे मिली है तो हमने कहा कि यार मुइज़ भाई की तोप जो है ना उसको लेके दो, जिंदगी में दूसरी बार तोप पहने, पता है ये तोप लो तो फिर पजामा और बनियान भी लेनी पड़ती है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, बाजू हर चीज 100%। अच्छा साइज भी मिला तो हर चीज, बाजू भी और नीचे ऊपर, अच्छा तरफ, और यहाँ पर गला भी बिल्कुल परफेक्ट है, पहले वाली जो थी वो ज्यादा। हाँ इसकी लंबाई, बाजू, गला भी देखो ना, ये अक्सर खुला होता है गला, क्योंकि उन्होंने मोटों को भी जेन में रखना होता है, लेकिन ये बिल्कुल पतले बंदे के लिए बनी है ये, ठीक है ये कलरफुल है, ठीक है ये भी ठीक है, 20 रियाल का है, और वो एक तो प्रिंट वाला होता है, एक इसके ऊपर बना होता है, ये वही जिसके ऊपर बना होता है वही है, और इसके साथ पजामा और बनियान लेनी पड़ेगी, पजामा और बनियान, बनियान लेने जाते हो, बनियान लेके आते हो, पाते हो तो पहनी नहीं वो वाले, ये है ना इधर भाई, मैंने पजामा नहीं लिया था ईद का, मैं ये लेने वाला हूँ, पूरा ही है ये लंबा ना हो जाए बस, ये थोड़ा सा ये वो 20 नंबर था, ये 18 नंबर ये होगा मेरे, हाँ ये सही है लेना है ये, मैं पहले पहनता था, मैं पहनना होता तो मैं लेता, नहीं इतने आ जाओ देख है सब।